एक पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से लगातार गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। बाजवा की सेना इतनी बुजदिल है, इतनी कायर है कि रात के अंधेरे में गोलाबारी करती है, भारत के रिहायशी इलाके को निशाना बनाती है। दिन के उजाले में सीमा पार से तो फायरिंग करती ही है, वहीं रात के गुप्त अंधेरे का भी फायदा उठाकर शेलिंग करने से पीछे नहीं रहती। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ के शाहपुर, किरनी और कसाबा सेक्टर में गोलियां दागी। छोटे हथियारों से टारगेट किया गया, मोर्टार से गोले दागे गए। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद जाकर पाकिस्तानी सेना की बंदूकों से गोलियां निकलना बंद हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार का इतिहास पुराना है। हाल ही में पाकिस्तान की कराची जेल में 8 साल की सजा काट कर लौटे 5 भारतीयों की हालत पाकिस्तान के जुल्म की दास्तां बयां कर रही है। पाकिस्तान की जेलों में हिंदू कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो विक्षिप्त हो जाएं। जिन 5 भारतीय कैदियों को कराची के लांडी जेल से रिहा किया गया, उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें सैकड़ों जख्म दिए गए। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उनका दिमागी संतुलन तक बिगड़ जाए। वाघा बॉर्डर के रास्ते 5 कैदी अपनी सजा काट कर हिंदुस्तान पहुँचे हैं। 5 नागरिकों की हालत बेहद दयनीय है। वही 5 भारतीयों में से रिहा किए गए शमशुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान की जेलों में हिंदू कैदियों के साथ ही इस तरह की बर्बरता की जाती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।